से हटेगी ईवीएम, कोई है तरीका? देखिए जो हम सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए, किस लिए अंदर जाना है यार, नहीं जाना है। यहाँ 144 है क्या अपने घर में? हमारे घर में 144 है क्या? अरे हम अपने घर में खड़े, रोड ऐसे 200 मीटर। जमीन किसी की, किसी एक व्यक्ति की नहीं है, इस देश के तानाशाह नरेंद्र मोदी की नहीं है, हम सबकी जमीन है। मोदी जाएगा 24 में, जाएगा जाएगा मोदी। बना था ना किसान आंदोलन में, मैं था 13 महीने, वहाँ इन्होंने हमें आतंकवादी बनाया। फिर नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस समय दिल्ली में ईवीएम को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो चुका है, ईवीएम हटाने को लेकर सबसे बड़ा आंदोलन शुरू हो चुका है। इस समय मैं दिल्ली में मौजूद हूँ, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, चलिए उनसे बात कराते हैं। कई सारे लोग यहाँ पर, देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जी भाई साहब, कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? मैं राजवीर खट्टी, करावल नगर से। करावल नगर से, क्या है मुद्दा आज का? ईवीएम हटाओ देश बचाओ, मेरी पर्ची मेरे साथ। कैसे आएगी पर्ची? ईवीएम हटेगी तो पर्ची आएगी, बैलेट पेपर द्वारा चुनाव होगा तो पर्ची दिखाई देगी और मन को शांति होगी, भाई हमने यहाँ फलाने उम्मीदवारों को, फलानी पार्टी को ये वोट किया है। और ये पहले होता था, आज उसे किसी भी वोटर को ये पता ही नहीं पड़ती कि हमारा वोट कहाँ जा रहा कैसे, तो तसल्ली नहीं है। और ये आम जनता की आवाज़ उठती चली आ रही है कि भाई हमें पता पड़ना चाहिए कि हमने कहाँ वोट दिया है, किसको दिया है। तो जी साहब, आप बताओ क्या लगता है, ईवीएम हटेगी? हटा के रहेंगे। ये लोग जो देश की जनता की आवाज़ को दबा रहे हैं, लोकतंत्र का पे कब्जा कर रहे हैं। हमारे देश की आवाज़ है, देश की जनता की आवाज़ है, हम सब की आवाज़ है, कांग्रेस पार्टी की आवाज़ है कि ईवीएम हटाएं और बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। क्या कारण है कि देश की लाखों करोड़ों जनता इस मांग को कर रही है, तो ये इसको हटाने के लिए इनको क्या है इसमें इंटरेस्ट है? इसमें ईवीएम से ही चुनाव कराने में इनको क्या इंटरेस्ट है? जब देश की जनता की मांग है कि इसको हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, देश की जनता को शक है कि ईवीएम की मशीनों में इन्होंने जो धांधली करते हैं, जो हम लोगों को जानकारी मिली है। तो मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, ये देखिए तस्वीरें, दिल्ली पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी है, दिल्ली पुलिस इनको नहीं जाने दे रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है, किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। जंतर मंतर जाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, लेकिन किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे, पुलिस भी यहाँ पर पहुंची हुई है और तस्वीरें आप साफ तौर पर देखिए। क्या नाम है आपका? निकल ले देंगे। क्या नाम है? कर रखा। अरे क्या लगता है, ईवीएम हटेगी? ईवीएम हटेगी, अब हटेगी भैया, तानाशाही चल रही है, कहाँ हटेगी? तानाशाही कहाँ है और क्या? हाँ कैसे तानाशाही? ये देखो ना पब्लिक के लिए क्या कर रहे हैं। ये देखिए पुलिस यहाँ पर पहुंची है, पुलिस यहाँ पर लोगों को हटा रही है, इंटरव्यू भी नहीं देने दिया जा रहा है। ये लोकतंत्र है तो क्या है, देख सकते हैं आप, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, साफ तौर पर पुलिस इन लोगों को जंतर मंतर पर नहीं जाने दे रही है। आप देख सकते हैं डेमोक्रेसी किस तरीके की हो चुकी है। ये महिला भी नाराज लग रही है। जी भाई साहब, क्या नाम है? प्रदीप हुड्डा। पुलिस क्यों नहीं जाने दे रही है बताइए? पुलिस नहीं जाने देगी, हम तो बैरिकेड तोड़ के चले गए साइड से। पुलिस मोदी की गुलाम हो रखी है, लेकिन क्या करे, उन बेचारे क्या कर सकते हैं, उनकी नौकरी का सवाल है। देश में भूखमरी इतनी ज्यादा पैदा कर दी है कि नौकरी से ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा, आम आदमी क्या करेगा? ये हमारे ही बेटे और हमारे ही भाई हैं, आपस में गोली मरवाई है, जिसको कल गोली लगी है 23 साल का बेटा था वो, 2 बहनों का इकलौता भाई था। कहाँ का था भाई वो, पाकिस्तान का था या चीन का था बताए? मोदी कह रहे खालिस्तानी है किसान आंदोलन वाले, यार ये किसी को कुछ भी बना देंगे। कल हमारे को बनाया था इन्होंने आतंकवादी, बनाया था ना किसान आंदोलन में, मैं था 13 महीने, वहाँ इन्होंने हमें आतंकवादी बनाया, फिर आतंकवादियों के आगे क्यों झुक गया? 13 महीने बाद क्यों बोला गलती होगी? इसने नोटबंदी में बोला एक स्कीम बताओ इसकी जो ठीक की हो, तब कहता था मुझे 50 दिन दे दो, हमने 50 दिन दे दिए, हमने 5 साल दे दिए, हमने 10 साल दे दिए, कौन सी पूरी? ठीक है, कहाँ से आई हैं? मैं तो विंग कमांडर अनुमा आचार्य हूँ, विंग कमांडर की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, और आज यहाँ पर ईवीएम के खिलाफ जो आंदोलन था उसमें हम लोग आए हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से हमें जंतर मंतर जाना था, लेकिन नरेंद्र मोदी की डरी हुई सरकार ने पुलिस को यहाँ खड़ा किया है आके। पुलिस तो अपनी ड्यूटी कर रही है, करेगी वो तो। किस बात की ड्यूटी कर रही है? यहाँ कोई चोरी हो रही है, डाका हो रहा है, हत्या हो रही है, कोई यहाँ पर अशांति पैदा कर रहा है, तो पुलिस को यहाँ आने की क्या जरूरत है? यहाँ होना किस लिए, क्यों आना चाहिए यहाँ पर? अगर लोग बाग शांतिपूर्ण मार्च करके जंतर मंतर जाना चाहते, तो ये जमीन किसी की,
किसी एक व्यक्ति की नहीं है, इस देश के तानाशाह नरेंद्र मोदी की नहीं है, हम सबकी जमीन है, हम सब चल सकते हैं। एक चुने हुए पीएम को तानाशाह कह रही हूँ, तानाशाह को तानाशाह कह रही हूँ। अगर वो चुने हुए पीएम होते तो आज उन्होंने जो बैलेट पेपर से चुनाव करवा दिए होते, वो चुने हुए पीएम नहीं है, वो ईवीएम के गांव के जरिए बने हुए प्रधानमंत्री है, जनादेश के कारण नहीं है। कैसे हटेगी ईवीएम? इधर आइए, इधर आइए। कैसे हटेगी ईवीएम, कोई है तरीका? देखिए, जो हम सुप्रीम कोर्ट को भी सौ मतों संज्ञान लेना चाहिए, किस लिए अंदर जाना है यार? नहीं जाना है, मुझे यही रहना है। क्या करेंगे ये, क्या कर सकते हैं ये? नहीं जाएंगे अंदर, ड्यूटी करेंगे ना? अरे करने दीजिए ना ड्यूटी, क्या मैं उनके ऊपर मार रही हूँ क्या, उनको धक्का दे रही हूँ क्या, उनके साथ कौन सी? नहीं तो फिर आप रहने दीजिए, मुझे नहीं। तो आप देख सकते हैं भीड़, आप देखिए तमाम लोग यहाँ पर, ये देखिए बहुत सारे लोग अपनी बयानबाजी करें, सुनाते हैं आपको। या तो जेल में भेजेंगे या हमें भगाएंगे, देख लीजिए तानाशाही। हम अपने घर में, पुलिस तो ड्यूटी कर रही है। या क्या मतलब 100 ड्यूटी का? या क्या मतलब ड्यूटी का? या 144 है क्या अपने घर में? हमारे घर में 144 है क्या? अरे हम अपने घर में खड़े, रोड ऐसे 200 मीटर दूर है, 20 कदम दूर है। देख तानाशाही, देख लो अफसर शाही, नरेंद्र मोदी जी की पुलिस आवी है। कोरोना में इस पुलिस को मुआवजा कांग्रेस ने दिलाया, ये अपने साथियों को मुआवजा नहीं दिला पाए। अरे बना ले, तो ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, सबको अंदर ले जाया जा रहा है। तो आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, ये देखिए बाहर एक रोड यहाँ से 150 मीटर की दूरी पर है, लेकिन वहाँ पर नहीं जाने दिया जा रहा है। इससे एक बड़ी नाराजगी यहाँ पर दिख रही है, पुलिस की तैनाती है। चलो मिलकर उठाए हाथ, हर शोषित का देने साथ, रोकना है ईवीएम, नहीं सहेंगे ईवीएम अन्याय, मेरी पर्ची मेरे हाथ। अपने घर पे कर्मचारी कर देंगे, मोदी जाएगा 24 में, जाएगा जाएगा मोदी, मोदी 24 में जाएगा। मोदी डरता कमजोर है, डरपोक है, डरपोक है मोदी, इस देश का प्रधानमंत्री डरपोक है, सबसे शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। ये भारतीय जनता पार्टी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का देख लिया दबाव, और कितना डराया जा रहा है जनता को। अपना हम अपना हक, अपने हकों की मांग भी नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं कि सबक, ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर गाड़ियों में डाला जा रहा है, बदतमीजी की जा रही है, जिन्हें कितने लोगों को डिटेंट कर लिया है। बदतमीजी हुई, क्या बदतमीजी हुई? मतलब बाहर से लोग आए, महिलाएं, जिन लोगों को ये पता था कि परमिशन जंतर मंतर की मिली हुई है, उनको यहाँ तक नहीं आने दिया गया। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हो रहा था। इस देश में आखिरकार हो क्या रहा है? बस खड़ी, एक बस क्यों खड़ी है? बस की तैयारी है भरने के लिए। यानी कि कैसे लोकतंत्र का गला घुटा जा रहा है, एक मतलब बोलने नहीं दिया जा रहा बिल्कुल भी। तो क्या लोकतंत्र खत्म हो गया आप ये कह रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि देश गलत हाथों में है। ये देश आरएसएस और बजरंग दल की विचारधारा से चल रहा है। इस देश में अगर आप अपनी आवाज उठाओगे, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। अपने हक मांगोगे और सरकार से सवाल करोगे, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। कोई विकास पे बात मत करो, बेरोजगारी पर बात मत करो। तो ये आक्रोश देखिए आप, आक्रोश, जन आक्रोश ईवीएम के खिलाफ, बड़ा आक्रोश आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, साफ तौर पर जाहिर है कि पुलिस जो है अब यहाँ पर लोगों को रोक रही है, जंतर मंतर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो आप तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि अब किस हद तक लोगों में नाराजगी है। ईवीएम हटेगी, गवर्नमेंट हटाएगी तो हटेगी, ईवीएम हटनी चाहिए। या तो मोदी जी इस्तीफा दें, मोदी जी पर इस्तीफा देते हैं तो सब कुछ देश सही हो जाएगा। मोदी जी इस्तीफा कैसे देंगे, क्या देंगे? इतना अच्छा देश चला रहे हैं, कह रहे हैं, हो रहा है, दिख तो रहा है सारा देश जैसे चला रहे हैं। अब ये किसानों के ऊपर देखो क्या हो रहा है, इतना वो अपनी मांगे ही तो मांग रहे हैं कुछ, वो तो नहीं बोल रहे भाई। जो उन्होंने करा नहीं है आज से 14 साल पहले, जो 2014 में आए थे, तो उन्होंने जो बोला था तो उस चीज पे करना चाहिए ना उनको, लेकिन उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बल्कि बर्बाद कर दिया देश हमारा, बल्कि बेच दिया। हमें जहाँ तक लगता है देश हमारा बेच दिया। कुछ नहीं है मोदी से, मोदी से कुछ नहीं है। हम लोग तो दीवाने हैं मोदी के, वो उनके कहते हैं, हम तो महिलाओं के भाई हैं, भाई हैं, तभी आदी आबादी के, तभी तो ये गोधरा कांड और अभी मणिपुर में हुआ था, आज वो दिख रही है भाईबंदी कितनी है, सब कुछ दिख रहा है। जो मोदी जी एक बार भी नहीं, पहलवानों के साथ हुआ जंतर मंतर पे, तब भी मोदी जी नहीं आए।
एक बार आके मिलना तो चाहिए था, महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है उस पर कुछ मोदी जी को बोलना चाहिए। तो यहाँ पर सरकार के खिलाफ, इधर आओ, सरकार के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है और पुलिस यहाँ से अब दूर खड़ी है, वहाँ देख सकते हैं बैरिकेडिंग लग गई है। फिलहाल आंदोलन नहीं होने दिया जा रहा है, ईवीएम हटाने को लेकर यहाँ पर आंदोलन, शांतिपूर्वक आंदोलन करने की कोशिश थी लेकिन आंदोलन नहीं होने दिया गया। आप समझ सकते हैं कि जो देश की जनता की आवाज़ है कहीं ना कहीं उसे यहाँ पर दबाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे भी आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।